सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम फिर से महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सारे देश के अंदर महाराष्ट्र की ही चर्चा हो रही है। तो आज हम उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र आदित्य ठाकरे के जन्म कुंडली के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। कुछ ज्योतिषी ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं कि इंसान के मानने की बात नहीं रहती है, इंसान ऐसे प्रिडिक्शनों को नहीं मानते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का पुरावा तो दिखाते नहीं है और प्रोग्राम कर लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ऐसा है कि ये कुंडली इस जातक की है ऐसा पुरावा दिखाना जरूरी है, ताकि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर लोगों का विश्वास हो जाए। अब देखिए, उद्धव ठाकरे जी का जन्म 13 जून 1990 अर्ली मॉर्निंग 4:30 को बम्बई में हुआ था। ये सही कुंडली है, जबकि बाजार के अंदर उनकी कुंभ लग्न की कुंडली चल रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कुंडली का प्रिडिक्शन इस तरह कीजिए ताकि देश की जनता को और ज्योतिष रसिकों को आनंद आवे। सही प्रिडिक्शन करना एक ज्योतिषी की फर्ज बन जाती है। अब देखिए, वृषभ लग्न में सूर्य बुध है, मिथुन राशि में गुरु है, कर्क राशि में केतु है, मकर राशि में चंद्र शनि और राहु है, कुंभ राशि का मालिक भी जो शनि है वो चंद्र और राहु के साथ भाग्य में पड़ा हुआ है, मीन राशि में मंगल है और मेष राशि में शुक्र है। लग्न शुक्र 12वें भाव में, यानी कि लग्न षष्ठेश 12वें भाव में होने की वजह से विपरीत राजयोग की कुंडली बन रही है। यह शुक्र स्वभाव से व्यक्ति को रंगीला, ऐशो आरामी, स्वरूपवान, लेडीज वर्क से प्रभावित, रॉयल लाइफ जीने की मन में तमन्ना रहती है, मगर कुछ वक्त तक ही सीमित रहती है, क्योंकि सुख स्तन का स्वामी सूर्य लग्न में और लाभेश गुरु ऊपर लाभ स्थान में से मंगल की दृष्टि, यानी कि सिल्वर स्प्रून इन द माउथ, यानी उच्च और बड़े घराने में उनका जन्म हुआ है, इस बात की कुंडली की गवाही है। अब मूल जन्म कुंडली में निर्बल गुरु की मां दशा 4 दिसंबर 2018 से 22 जनवरी 2021 तक है। इस समय में विधानसभा में जीत तो हासिल हुई, ग्रहों सत्ता देते हैं तो सजा भी देते हैं, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुटुंब स्थान के गुरु ऊपर से राहु का गोचर भ्रमण पारिवारिक प्रतिष्ठा कीर्ति पद प्रतिष्ठा खंडित योग बनता है। भाग्य स्थान में चंद्र शनि राहु की दृष्टि, चंद्र मातृ का कारक है और शनि पितृ का कारक है और राहु कुकर्मों की सजा देने वाले ग्रह है। मंगल उनके लाभ स्थान में है, मंगल की निगाह है गुरु के ऊपर और होने की वजह से चैनबाजी चटकती रहती है, नाच गान तमाशा पार्टी ये सब पूरी लाइफ के अंदर ऐसा रहेगा। रॉयल गाड़ी में घूमने का फिरने का, होटलों में बड़ी बड़ी होटलों में खाने पीने का शौक, ये सब विधाता देवी ने उसको प्रदान किया है। मगर एक बात खास याद रख लेना कि समय बदलते रहते हैं, तो समय के साथ इंसान को चलना पड़ेगा। यदि अगर इंसान समय के साथ नहीं चलेगा तो समय अपना काम कर जाएगा। मूल जन्म कुंडली में रोग स्थान लाभ स्थान के स्वामी गुरु ऊपर मंगल और वक्रीय हर्षल और नेपच्यून की दृष्टि योग बंधन योग एक्सीडेंट योग साबित होता है। पिता के जाने के बाद हालात बदतर से बदतर हो जाता है, कुछ प्रॉपर्टी में नुकसान आता है, भविष्य में भी मैनिया यानी कि मगज की बीमारी जिसे कहते हैं मैनिया का योग भी बन रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मृत्यु
हमारा कहने का मतलब ये है, भाग्य भुवन में शनि का गोचर भ्रमण, अब शनि के ऊपर से शनि का गोचर भ्रमण चल रहा है, तो चंद्र मन का कारक है, शनि पितृ का कारक है और साथ में राहु पड़ा है। राहु कष्टदायक उपाधि देता है। चंद्र शनि राहु के ऊपर से गोचर का शनि का भ्रमण, इंसान को अपने कर्मों की सजा देना ही पड़ता है। ग्रहों सजा देते हैं। अपने में एक कहावत है कि कर्म ही फल दाता है, अच्छे कर्म करेगे तो उनका फल अच्छा ही मिलेगा। मगर जन्माक्षर के अंदर इस तरह का सटीक प्रिडिक्शन करने वाला एस्ट्रोलॉजर होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हाँ में हाँ करने का और पब्लिक को गुमराह करने का, अच्छे अच्छे प्रिडिक्शन करने का, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है ऐसा ही करके प्रिडिक्शन करने का, मगर ये लोग कुदरत के गुनहगार बन जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आदित्य उद्धव ठाकरे का और उनके परिवार का अभी समय बहुत ही कष्टदायक है। अभी शनि मकर राशि में गोचर भ्रमण कर रहा है। अभी ये 2.5 साल का शनि है, 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है, तो अभी 2.5 साल तक का ये जो शनि का समय है पूरे परिवार के लिए और उनको जो सपोर्ट करता है उनके लिए भी प्रतिकूल समय हमको दिख रहा है। तो अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।